मलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी आज यहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की लोहिया भवन लखनऊ में बैठक हुई। सबसे पहले जो देश में किसान शहीद हुए हैं उनको 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे साथ है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मित्तल जी। मित्तल जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, इस पर आप विधिवत बताएंगे जो शुरुआत से आंदोलन और अब तक की आपकी संघर्ष समिति की भूमिका क्या थी और आगे क्या करें। संघर्ष समिति के नेतृत्व में और पंजाब के किसानों ने जो धरना शुरू किया, दिल्ली में घेरा है दिल्ली को, और इस सरकार से मांगे कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। कुछ लोग जो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रास्ता जाम किया गया है सुप्रीम कोर्ट आदेश खाली कराया है, किसान संगठन उसमें सम्मिलित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किसान संगठनों को उसमें भागीदार बनाया और उनके माध्यम से वकीलों ने ये बात साफ की कि किसानों का सरकार से मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले, और हमारी मुख्य मांग और सबसे पहली मांग यही है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए हैं तीन कानून, आज आदेश दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सस्पेंड की, लेकिन सस्पेंशन से समस्या हल नहीं होगी। किसान संगठनों के साफ मत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है 4 सदस्यों की, और उस कमेटी में किस तरह से वो कमेटी समस्या को हल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट को सच्चाई बताने के लिए है, किसानों का मत बताने के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी से जानकारी लेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अंतरिम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अंतिम फैसला लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। किसान संगठनों का किसी समिति से कोई मांग नहीं, किसान संगठनों ने तय किया कि हमने कोई कमेटी की मांग नहीं करी, किसान समिति के सामने कोई अपनी राय नहीं रखी। सरकार से मांग है, सरकार अगर वापस लेने पर चर्चा करे तो हम तो सरकार से वार्ता करेंगे, पहले तैयार है। 15 तारीख सरकार ने फिर निर्धारित किए वार्ता किए, किसान संगठन जाएंगे उसमें। ये अभी अतुल अंजान जी ने आपने बहुत अच्छी कुछ बातें कही हैं, इसको आप बताएंगे। देखिए, ये लड़ाई नए इतिहास को बनाने की है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई। संविधान में जो राज्य और केंद्र के अधिकार है वो बचाने की लड़ाई है, और ये बचाई इसलिए कि शिक्षा संवर्ती सूची में है संविधान, लेकिन कृषि खेती के साथ ये राज्यों के अधिकार छोड़ा तो कैसे ये कानून थी केंद्र ने बना दी, क्या खेतों को हड़पने का इरादा है। इसी के खिलाफ 2011-12 में आंदोलन हुआ था, जिसके चलते मनमोहन सिंह जी की सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को जो 1884 का अंग्रेजों के जमाने का था बदलना पड़ा था, और नया कानून 2013 में लाना पड़ा था, जिसमें धारा 4 को समाप्त किया गया था, जिस धारा 4 के अंदर अंग्रेजों ने अधिकार दे रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी की भी जमीन को किसी को कर भी एक्वायर कर लेगा, ले लेगा, और उसके बारे में वही तय करेगा कि कितना उसे मुआवजा दिया जाए या न दिया जाए। लंबे संघर्ष के बाद वो परिवर्तन किया गया, हालांकि उसमें भी बहुत सी त्रुटियां थी, लेकिन माना कुछ सरकार के उस 2013 के कानून के प्रयास किसानों की जमीन का की बचत, उसी की आड़ में हमने जो महाराष्ट्र की सरकार ने मुकेश अंबानी को रायगढ़ जिले के अंदर 1,00,000 बीघा जमीन दी थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अखिल भारतीय किसान सभा ने, और सब महाराष्ट्र हाईकोर्ट में गए थे और 1 साल की बहस के बाद उसे निरस्त कराया। तो ये लड़ाई है एक बार फिर से इस काले कानूनों के खिलाफ, तीन काले कानून और ये बिजली का बिल। बिजली का बिल क्या है? किसानों की फसल की सिंचाई का मामला है, इतना महंगा बिजली हो जाएगी फसल की सिंचाई मुश्किल हो जाएगी, अभी सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ता है,
उसके भी नीचे लगाना पड़ता है, दूर महंगी बिजली होगी। साधारण मध्य वर्ग के लोग, निम्न मध्य वर्ग के लोग, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को, साधनहीन लोगों को सरकार की तरफ से गांव में एक बल्ब लगाने की और उसका पैसा सरकार देती है, वो जो इजाजत है वो खत्म हो जाएगी। 60 लाख करोड़ रुपए की संपदा है देश के अंदर राज्यों की बिजली बोर्ड की, उसको सब ले लेंगे, कॉर्पोरेट के हवाले कर देंगे और बिजली 15 रुपए यूनिट जाएगी, कोई ले पाएगा? इसलिए ये लड़ाई हम लोग किसानों की नहीं लड़ रहे हैं, साधारण लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खेती को बचाने की लड़ाई है, खेती के कंपनीकरण के खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए कि हमारी समझ है कि खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान, गांव और खेत बचेंगे तो देश बचेगा। इसलिए ये लड़ाई पेट के लिए कॉरपोरेट के खिलाफ, पेट और बनाम कॉरपोरेट। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग सभी देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा, इसमें एक अहम भूमिका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश किया गए, वहाँ तो हिंदू मुसलमान खत्म हो गया। जब आप उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे तो ये जो सरकार हिंदू मुसलमान की 24 घंटे बात करती रहेगी, ये समस्या आपके सामने क्या आ सकती है? हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं, ये छद्म राष्ट्रवाद, जिन्हें राष्ट्र के बारे में पता नहीं है वो राष्ट्रवाद की बात। हाईकोर्ट ने भी कई निर्णय दे दिए कि कोई बालिग कहीं अगर अपने मर्जी से शादी करता है तो उस पर सरकार का कोई कानून चलेगा नहीं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बिना मतलब ऐसी कोई गिरान घटना के ये लव जिहाद का कानून बना, सिर्फ एक नए प्रकार का हिंदू मुसलमान को बांटने का। तो कहावत हमारे यहाँ पुराना है ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और जब दो मोहब्बत करने वाले दिल एक हो जाएंगे तो योगी जी जैसे जटाधारी क्या करेंगे। तो इसलिए इस पर ये दृष्टिकोण है, लेकिन योगी जी और मोदी जी इन दोनों का विचार एक जैसा है, व्यवहार एक जैसा है, परिवार एक जैसा है। मैं पूछ रहा हूँ मोदी जी से, इतना विकास 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 क्यों कर रहे हो? अगर अपने समय पर आपने विकास कर लिया होता तो आज विकास की घुड़चड़ी कर रहे होते। धन्यवाद। हमारे इस बैठक में एक सीतापुर से महिला भी आई है, वो भी किसानों मजदूर में काफी कुछ काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगा आपको अपने क्षेत्र में और महिलाओं के बीच में कैसे तमाम मुद्दे उठाकर उनको मोबिलाइज कर रही है और आंदोलन के लिए शुरुआत कर रही है। मैं सीतापुर में खासतौर से मजदूरों, महिलाओं और पुरुषों के साथ, किसानों के साथ पूरा काम है। एक बात जो, एक तो शुरू से ही जब से अध्यादेश के रूप में था तब से ही हमें लगा कि हम एक बात को समझे और समझा ले जाए कि मजदूर और किसानों की एकता एक साथ आनी ही पड़ेगी। और हम इस बात को पहले से ही मानकर चलते हैं कि महिलाएं किसान होती हैं, वो अलग बात है कि किसान का नाम लेने पर किसी महिला का चेहरा सामने नहीं आता है, पुरुष का ही आता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजों को लेकर हम लोग गाँव में, इलाकों में और किसानों और मजदूरों की एकता को एकता को लाने का मुख्य रूप से काम किया। और छोटे छोटे हमने अपने पूरे इलाके में, सीतापुर, हरदोई, मिश्री के काफी इलाकों में यात्राएं कर ले गए और गांव में लोगों को वो समझ बना पाए, बन पाई कि हमें अभी खड़ा होना होगा। एक बात अच्छे से समझ पाए कि जो सबसे कमजोर है, जो सबसे गरीब है, अगर खेती कम हुई, मतलब खेती बर्बाद हुई, खेती कारपोरेट के हाथ में गई, तो सबसे पहला हमला उस गरीब मजदूर पर होगा। ये बात पकड़ने की देरी थी कि अगर सरकार खरीद नहीं कर पाई, राशन खरीदेगी ही नहीं, अगर अनाज खरीदेगी नहीं तो कोटे में राशन कहाँ से देगी? आपने देखा है खाद्य सुरक्षा कानून के दौरान राशन कार्ड बनने के लिए खाता लिया गया, बैंक अकाउंट नंबर लिया गया। क्यों लिया गया? ताकि कल को कैश पर जाए और महिलाएं किसी भी हालत में अनाज के बदले में कैश नहीं चाहती। हमें मालूम है कि अनाज
आंदोलन खड़ा है और हम आज की तारीख में ये समझ मतलब दिख रहा है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, जिस तरह से चला है ये गांव-गांव में फैला है, बॉर्डर की चिंगारी छिटक कर अब करीब मेरे ख्याल से 48 दिन होने जा रहे हैं, छिटक कर आनी ही थी और वो आई है और चिंगारी जब फैलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।